केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा लोको वधुमां वधु वेक्सिनेशन ले ते माटे अनेक प्रयत्नों करवामां आवी रह्या छे। त्यारे वेक्सिनेशन माटे लोकोने प्रोत्साहित करवा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाए इम्यून इंडिया डिपोजिट स्कीम योजनानी जाहेरात करी छे। आ योजना अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 0.25% व्याज आपी रही छे। सेंट्रल बैंकनी इम्यून इंडिया डिपोजिट स्कीम अंतर्गत रसी लेनार दरेक ग्राहकने एफडी पर 5.35%, जयरे वरिष्ठ नागरिकोने 5.85% व्याज अपाई रहा छे। आ योजना 31 डिसेम्बर सुधी रहेशे। गुजरातमां आ योजना हेठळ ₹86 કરોડનું रोकाण करायु छे, तेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाना अमदावाद झोनना जनरल मैनेजर जे एस सहानीए जणाव्युं हतुं। बैंक ने वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के हिसाब से ये स्कीम को लॉन्च किया है, और क्योंकि जिसने भी एक डोज वैक्सीनेशन का लिया है वो सब इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। और ये स्कीम एफडी की शेप में है, 1111 दिन, 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए स्कीम है, जिसमें हम लोग 0.25% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। बाकी जो भी एफडी के रेट्स हैं वो उसी तरह चलेंगे, लेकिन उसमें हम लोग स्पेशल इसके लिए 0.25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और जो बाकी सीनियर सिटीजन को 0.5 एक्स्ट्रा देते हैं वो स्कीम में भी चलता रहेगा उसी तरह से। અને બેન્કે પણ આ સારું આ સંયોગ કર્યો છે કે ભાઈ વેક્સિન લઈ લીધા પછી જે એફડી જે કરાવે છે એની અંદર અમને 5.25% લેખે વ્યાજ મળે છે, અને આ વ્યાજ એટલું આપણને અત્યારના સુટેબલ છે કે જે સેવિંગની કરંટ એકાઉન્ટની અંદર કંઈ મળતું નથી, ને સેવિંગમાં 2.75% મળે છે, એની જગ્યાએ એફડી કરાવીને 5.25% આપણને વ્યાજ મળે છે, અને આ ઘણું સારું છે બેન્કના અને બધી બેન્કો માટે ઘણું સારું છે અમદાવાદ।